राम राम जी, कैसे हो सब? अपने रोड व्हीलरों की मस्ती शाम के टाइम भी दिखा देता हूँ आप सबको। इस टाइम पे एक से डेढ़ घंटा इनकी यही ड्यूटी है। ये सामने बॉबी बॉय बैठा हमारा, जो हेल्प इम्पोर्ट है ना, वो बैठा है और ये डॉगी अपने सारे खेल रहे हैं। ये देखो इनकी मस्ती है ना, बहुत जबरदस्त। ये भी मेरी इधर जो एकांत में रखी हुई ना, ए स्पार्की, इसको इनके खेलना कूदना मस्ती करना ये सब इसको पसंद नहीं है, इसलिए इसको अलग रखना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी लड़ाई कर लेती है। आदमी के लिए फ्रेंडली है, पूरी फ्रेंडली हद से ज़्यादा, भाई जो मर्जी कहो इसको कुछ नहीं कहती है। और ये अपनी आने वाली नई जनरेशन सेल्फी और टिनी, कम बॉय कम, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। ये सल्फर अभी यही एक डेढ़ घंटा हो गया ना खेलते हुए, बस इनका यही काम है, अभी खुला रखते हैं इनको। ये देखो इनका, ये इनकी मस्ती, ये देखो है ना गजब। खुले रखता हूँ भाई मैं, क्योंकि रोटविलर ब्रीड है ना, जो उसको खुला रहना ही पसंद होता है, लेकिन तरीके के साथ। ये सारे खुले रहते हैं, जहाँ मर्जी बैठो, जहाँ मर्जी जो करो, पानी की व्यवस्था है। ये एक डब्बा इधर रखा है भर के और एक डब्बा इधर रखा है भर के। गाँव से दूर है, 2 किलोमीटर के करीबन, गाँव बहुत दूर है। ये देखो, और ये मेरा कमरा है जिसमें इनको मैं, जब बरसात आए तब इसमें रहेंगे, मच्छर हो जाएंगे तब इसमें रहेंगे, सर्दी हो जाएगी ज़्यादा तब इसमें रहेंगे, या जो भी मौसम ख़राब रहे, कुछ भी रहे, तो इसके अंदर रहते हैं सारे ही। ये देखो खुले गोबर हैं सारे, व्यवस्था दे रखी है जी। जो रोटवीलर कहते हैं ना, भाई अग्रेसिव है, ये है वो है, फलाना धीमड़ा, बहुत सारे बातें करते हैं, वीडियो वायरल होती है। देखो काटता हर डॉग है, कोई ऐसा डॉग नहीं जो नहीं काटता, सिर्फ लैब्रा को छोड़ के, ठीक है, क्योंकि भाई वो तो ऐसी चीज़ है, फ्रेंडली ही है। बाकी रोटवीलर को अगर वर्कआउट कराते हो ना 1 से 2 घंटा सुबह शाम, तो भाई ये पूरा फ्रेंडली हो जाता है। और बचपन से भी थोड़ा फैमिली के साथ या बाहर से जो मेहमान आते हैं, यार दोस्त आते हैं, उनसे भी मिलवाते रहा करो, जिसके कारण ये अग्रेसिव नहीं बढ़ते। देखो इनके अंदर जोर होता है, ठीक है, जब इनको कमरे में से निकालता हूँ मैं, तो मेरे को खींच के ले जाएंगे दूर तक, क्योंकि भाई जान है सब में। फिर इनको जैसे अब ये खेल रहे हैं आपके सामने, मस्ती मार रहे हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद जब इनको बाहर लेके आऊँगा, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे और फिर अपने अपने सेटलमेंट कम्प्लीट इनकी, मतलब जहाँ पर इनको जोर नहीं लगाते फिर ये, क्योंकि ये वर्कआउट कर रहे हैं, अभी खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो इनकी एनर्जी निकल जाती है। तो रोटवीलर का एनर्जी निकालनी बहुत ज़रूरी है भाई, है ना। बाकी अगर ब्रीड में सबसे फर्स्ट पे मेरी चॉइस तो रोटवीलर ही है ना। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करते रहना।